और आज वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर, दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट। अविनाश जी, शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। बताइए, आज क्या चुना आपने वीआईपी के तौर पर? इनफैक्ट अभिषेक, आज जो शेयर मैंने चुना है वो बेसिकली एक फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनी है और कंपनी का नाम है जीएसएफसी। आज कंपनी के नतीजे भी है क्वार्टर टू के, लेकिन हमको लग रहा है कि करंट प्राइस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जीएसएफसी बेसिकली फर्टिलाइजर्स में और इंडस्ट्रियल केमिकल्स में काम करता है। बेसिकली यू नो, जो फर्टिलाइजर्स वो बनाता है वो बेसिकली यूरिया है, जो काफी बड़ी सेगमेंट है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इनके पास काफी अच्छे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मेलामाइन है, कैप्रोलैक्टम है, जो टायर सेक्टर में यूज होता है। करीबन 75% का जो रेवेन्यू है वो फर्टिलाइजर से आता है और 25% करीबन इंडस्ट्रियल केमिकल से आता है। कंपनी ने पिछले साल काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, करीबन 8,900 करोड़ पे 1,300 करोड़ का कामकाजी मुनाफा किया था और करीबन 890 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। करीबन 22-23 रुपए की अर्निंग पिछले साल आई थी, दैट इज FY22 के लिए। डिविडेंड भी काफी अच्छे हैं, कंपनी ने करीबन 110% का डिविडेंड दिया था, अभी करीबन 2% के डिविडेंड डील पे चल रहा है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल में FY23 के लिए करीबन 10,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू आने की उम्मीद रहेगी और इसके एक प्रॉफिट की बात करें तो करीबन 1,050-1,100 करोड़ आएगा। तो इस साल हमको लग रहा है कि 27-28 रुपए की अर्निंग आएगी, जो होपफुली नेक्स्ट ईयर 33-34 होगी। तो वैल्यूएशंस बहुत कंफर्ट दे रहे हैं और हमको ने देखा है कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट इनके पास इन्वेस्टमेंट्स करीबन 5,000 करोड़ के है, जहाँ पे उन्होंने गुजरात गैस और गुजरात नर्मदा यू नो वैली कॉर्पोरेशन में काफी अच्छा पैसा लगाया। हालांकि ये शेयर से इनको काफी अच्छे डिविडेंड्स मिलते हैं, तो मार्केट इस बात को भी काफी यू नो पॉजिटिविटी दिखाएगा और वैल्यूएशन करीबन 5 के PE पे 1 ईयर फॉरवर्ड पे मिल रहे। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे करीबन 180-190 का टारगेट प्राइस आपको अगले 12-15 महीने में मिल सकता है और मेरे ख्याल से अच्छी खासी कमाई यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ये काफी अंडरवैल्यूड स्टॉक है और इग्नोर्ड स्टॉक है, लेकिन फंडामेंटल यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरी तरफ से जीएसएफसी, टारगेट प्राइस 180-190। ठीक है, जीएसएफसी अविनाश जी की तरफ से। इस साल ये शेयर 200 रुपए के आसपास तक गया था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया और अब ये 130 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिर से वही लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं 12 महीने का, अगर आप नजरिया इसमें रखते हैं तो।